यह बात सुनाई। माँ के यह कहने पर कि बाबा जी उस दिन चर्च लेन इलाहाबाद में थे, उन्हें आश्चर्य हुआ पर विश्वास नहीं हुआ। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। पनकी कानपुर में महाराज जी ने श्री देव कामता दीक्षित द्वारा हनुमान जी का मंदिर बनवाया था और विग्रह की स्थापना 21 जनवरी 1965 को होनी थी। इसके कुछ दिन पूर्व से ही बाबा जी चर्च लेन इलाहाबाद आ गए थे। इस विराट प्रतिष्ठा दिवस के प्रातःकाल 6 बजे बाबा जी को चर्च लेन में देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं समझ नहीं पाया कि उन्होंने विशेष अवसर पर, जबकि पनकी में एक बृहत जन समुदाय उनके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा होगा, वहाँ जाना क्यों उचित नहीं समझा। वे शौच आदि से निवृत्त हो चुके थे और लोगों को प्रसाद देकर लगभग 6:30 बजे अपने कक्ष में चले गए। वहाँ उस समय श्री माँ और जीवंती माँ भी उपस्थित थीं। उस समय उन्होंने श्री सुधीर मुखर्जी को आदेश दिया कि वे उनके कमरे में बाहर से ताला लगा दें और प्रत्येक दर्शनार्थी से जो भी वहाँ आवे कह दें कि बाबा जी बाहर गए हैं। वे भीतर तख्त पर इस प्रकार अचेत लेट गए कि माइयों ने उन्हें समाधि में लीन पाया। मैं इस आशा से कि कभी भी वे बाहर आ सकते हैं, बाहरी कमरे में ही बैठा रह गया। मुखर्जी दादा सभी आगंतुकों को बाबा जी का आदेश सुनाकर विदा कर दे रहे थे। इतने में इलाहाबाद के प्रसिद्ध कैटरर जगाती बाबू वहाँ आए और मुझे बाहरी कमरे में बैठा देख वे सीधे मेरे पास आ गए। उनके पूछने पर मैंने सही स्थिति में उन्हें अवगत करा दिया। लगभग 11:30 बजे बाबा जी ने भीतर से आवाज़ देकर अपने कमरे का ताला खुलवाया और उनके बाहर आने पर मुझे पुनः उनके दर्शन हुए। इसके 2 दिन बाद सायंकाल के समय बाबा जी का दरबार लगा था और मैं जगाती बाबू वहाँ उपस्थित थे। एकाएक एक कार बाहर आकर रुकी जिसमें बाबा जी के एक भक्त इंजीनियर दर्शनार्थ कानपुर से आए थे। हम लोगों ने उनका स्वागत किया। जगाती जी ने उनसे पूछा कि बाबा जी की अनुपस्थिति में पनकी की स्थापना कैसी रही। प्रसन्न हो सुनते ही वे चौंक उठे और बोले बाबा जी की अनुपस्थिति में, फिर कहने लगे प्रतिष्ठा के दिन 6:30 बजे मैंने ही उनका स्वागत किया और मैं लगभग 11:30 बजे तक उनके साथ रहा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह आनंदमय रहा और भंडारे की क्या कहें, वह तो अद्भुत था। जगाती जी को इंजीनियर की बातें मान्य नहीं हुई। वे भली भांति जानते थे कि प्राण प्रतिष्ठा के समय बाबा जी चर्च लेन में ताले में बंद थे। थोड़े वाद विवाद के बाद दोनों इस मामले को दरबार में ले जाने के लिए तैयार हो गए। जब जगाती जी ने यह विवाद दरबार में प्रस्तुत किया तो बाबा जी ने अपनी अलौकिकता छिपाने के लिए इंजीनियर को झूठा बता दिया। वह उनकी बात सुनकर आवाक रह गया। फिर ज्यों ही वह कहने को उद्यत हुआ,
बाबा जी ने अपनी उंगली ओठों से लगाते हुए उसे चुप हो जाने का संकेत दिया। एक ही समय में इलाहाबाद और कानपुर में बाबा जी की उपस्थिति का यह स्पष्ट प्रमाण था। इस विषय में पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उस समारोह में कई लोगों को बाबा जी के दर्शन हुए और अनेक को वहां के आनंदमय वातावरण से उनकी उपस्थिति का आभास हुआ। उसी दिन प्रातःकाल बाबा जी बरेली में देखे गए। सिविल सर्जन डॉक्टर एस डी भंडारी जी की पत्नी अपने बगीचे में टहल रही थी। उन्होंने सामने से एक रिक्शा में बाबा जी को अकेले अपने घर की ओर आते देखा। आप तुरंत उनके लिए कमरा ठीक करने भीतर गईं और जब उनके स्वागतार्थ बाहर आईं तो आपको न बाबा जी दिखाई दिए और न उनका रिक्शा ही। बाबा जी के इस प्रकार घर तक आकर चले जाने का उन्हें दुख हुआ। डॉक्टर साहब के घर आने पर आपने उन्हें सब कह सुनाया। उन्होंने इधर उधर पूछताछ भी करवाई पर कुछ पता नहीं चला। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब उन्हें श्री माँ के दर्शन हुए तो उन्होंने 21 जनवरी 64 की तारीख बताते हुए उन्हें यह बात सुनाई। माँ के यह कहने पर कि बाबा जी उस दिन चर्च लेन इलाहाबाद में थे, उन्हें आश्चर्य हुआ और विश्वास नहीं हुआ। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो